हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं आरके इंडियन टेक। आरके इंडियन टेक के इस नए वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप या आपके पास अगल बगल के कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि दिव्यांग सर्टिफिकेट डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को नहीं बिताते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका फ़ोन का अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करते ही दोस्तों सिंपली यहाँ क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको यहाँ टाइप करना है UDID। सिंपली दोस्तों आपको UDID लिख करके सर्च कर देना है। UDID लिख करके सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का यानी कि पेज ओपन होकर के आ जाता है। इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर लिंक है उस पर ही आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने UDID का यानी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होकर के आ जाता है। इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह का है। अपना ई दिव्यांग सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इस यानी वेबसाइट में आपको सबसे पहले आपको यहां पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहां लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस तरह का यानी पेज ओपन होकर के आ जाता है लॉगिन पेज। यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले आपको यहां इनरोलमेंट नंबर या UDID कार्ड नंबर टाइप करना है। जी हां दोस्तों, अगर आपने ऐसे ऑनलाइन करवाया होगा उस समय आपको इस तरह का स्लिप मिला होगा, उस पर एक नंबर दिया हुआ है। नंबर को आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, या आपके पास UDID कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहां पे UDID कार्ड नंबर भी आप डाल सकते हैं। आपको यहां पे डेट ऑफ बर्थ यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि यहां पे सिलेक्ट कर लेना है और यहां इस कैप्चा को सही सही यहां पे फिल कर देना है। तो चलिए मैं अपना कर लेता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं। दोस्तों मैंने अपना यहां पे सारा चीज फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आप सक्सेसफुली इस वेबसाइट में आप लॉगिन हो जाते हैं। आप अपना अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन आप हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। आपका यहाँ पे फोटो, नाम, एड्रेस वगैरह, आपका टोटल चीज सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों आपको अपना यानी कि ई दिव्यांग सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहां पे आपको डाउनलोड ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सक्सेसफुली डाउनलोड हो करके आ जाता है। आप अपना यहां से देख सकते हैं, इस प्रकार का ही ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। आप यहाँ से अपना देख सकते हैं, इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ होता है। आपको फोटो यहाँ पर लगा हुआ होता है और यानी कि दिव्यांग से जुड़ी सारी जानकारियाँ इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, इतना कहते हुए अपने वीडियो के यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।